व्हाट्स अप गाइस। सो गाइस पिछली वीडियो में बात की थी वेरिएबल्स के बारे में, रेस्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं और कितने टाइप्स उनको डिफाइन करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में कि रेस्ट के अंदर डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डेटा टाइप को कंप्लीट तरीके से। सबसे पहले आते हैं वीएस कोड के अंदर और क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। तो मैं लिखा कार्गो न्यू ट्यूट, फोन नाम से क्रिएट करूंगा यहाँ पे बिकॉज ट्यूट 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें। ओके, इसके बाद करना है इसमें ड्राइव करते हैं, आते हैं इसके अंदर और हमें मिलेगा एक मेन डॉट आर एस। ओके, जो आपकी कार्गो डॉट टॉमल होती है ना, वो आपकी सिमिलर होती है आपकी पैकेट डॉट जेसन के अंदर। अगर इसको ओपन करोगे उसमें मिलेगा आपको नेम, वर्जन, एडिशन, ठीक है, एक डिपेंडेंसी मिलती है। अगर आपको डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो आप इसको यहाँ पे लिखते हो। अभी इसको क्लोज करते हैं बिकॉज अभी कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, मेन डॉट आर एस में आते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो सिंपल लिखना है मुझे कार्गो, बिल्ड करना है सबसे पहले, देन कार्गो रन करना है। ठीक है, बिल्ड करने से क्या होगा, इसकी एक एग्जीक्यूटिव फाइल जनरेट हो जाएगी। देन रन करने से क्या होगा, ये जो फाइल होती है जनरेट उसको हम रन कर पाएंगे। तो डीबग के अंदर आते हैं, ये वाली फाइल रन होती है। ठीक है, देखो ये वाली फाइल अब ये ओपन नहीं हो सकती, अगर ओपन करूंगा तो मैं, सो ओपन करने पर कुछ ऐसा टेक्स्ट आता है। इसको क्लोज करते हैं अभी, तो अब आते हैं कॉलेप्स करते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि होता है एक इंटीजर, आपने पढ़ा होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एक स्ट्रिंग होता है, एक बूलियन होता है, एक फ्लोट होता है। ठीक है, यही होते हैं अभी तो। उसके बाद होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं ना, वो आपके ड्रैप्ड होते हैं। कहाँ से, प्रिमिटिव से, मतलब कि ये ऐसे डेटा होते हैं जो आपके बने होते हैं इनकी मदद से, जैसे कि एरे, टपल, स्ट्रक्ट एंड एनम। ठीक है, और भी होते हैं बट अभी के लिए इनको पढ़ते हैं बहुत ईजी तरीके से। पहले पढ़ेंगे हम इंटीजर के बारे में, यानी कि प्रिमिटिव डेटा के बारे में। सबसे पहले आता है इंटीजर। बाय द वे ये होते हैं आपके कमेंट्स, जो आप देख रहे हो ये लाइंस जो हैं ये कमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये इग्नोर की जाती है कंपाइलर के द्वारा। सो हम लिखा इंटीजर। सबसे पहले अगर कोई वैल्यू डिक्लेयर करना है हमें रेस्ट के अंदर, तो यूज करते हैं हम किसका, लेट कीवर्ड का। ओके, इसके बाद लेट ए इक्वल्स टू कोई भी नंबर, लाइक में लिख दिया 23। अब जो ए है ना, वो हो गया हमारा वेरिएबल का नेम और 23 क्या एक वैल्यू है। अभी किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, बट ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, किसी और को नहीं पता, ना ही इस वैल्यू पता। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक स्मार्ट कास्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक पहचान लेगा, हाँ भाई 23 है, ये क्या हुआ, एक इंटीजर वैल्यू हो गया। जब हम बात करते हैं रस्ट के अंदर इंटीजर की, तो यहाँ पर कोई इंट नहीं होता, जैसे होता है ना सी के अंदर होता है, जावा के अंदर होता है, इंट होता है, तो यहाँ इंट में इंट नहीं होता। यहाँ क्या होता है आपका i32, i64 और i128। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीजर 32 बिट का, इंटीजर 64 बिट का, इंटीजर 128 बिट का। अब इसका भी मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि इनके पास लिमिटेशन है। आप रेस्ट को पढ़ते क्यों, रेस्ट को पढ़ते इसीलिए हो कि आपका जो मेमोरी कंजेशन हो वो आपका कम हो, आपकी जो खपत है, खपत मतलब बोलते हो ना जो आपकी मेमोरी होती है वो कम से कम लगे, उनको संभालने के लिए उन्होंने ये बनाया i32, i64, i128, जिसका मतलब है इनके पास लिमिटेशन है। अगर बात करें i32 की लिमिट, तो आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से i32, तो कुछ इस तरीके से मान लो ये हमारे पास एक बिग नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट एलन मैक्रो एंड कुछ इस तरीके से लिखा हमने एनसी, एक एरर मिलता है, बट इसकी जो लिमिट होती है ना i32 की, वो इसके बीच में होती है कि आपका जो नंबर होगा वो आपका कुछ इसके बीच में होगा। किसके बीच में, इसके बीच में, किसका है, i32 का। ठीक है, सेम होता है i64 का, वो थोड़ा बड़ा होता है इससे। अगर हम चेक करें इसको, तो हमने लिखा i64। सी, इसकी लिमिट जो होती है वो आपकी कुछ इसके बीच में होती है कि आपका जो नंबर है वो आपका कुछ इसके बीच में होना चाहिए, तब ये काम करेगा। एक होता है i128, अगर मैं इसको लिखता हूँ i128 तो इसमें तो काम करेगा ये। इसको मैंने किया प्रिंट एनसी, ये मेरा प्रिंट हो चुका है। अब इसको भी लीव करो बिकॉज ये बोल रहा है कि आपने जितना कमेंट लगा दी ना, इन कमेंट्स को भी रिमूव कर लो, बिकॉज कमेंट्स की वजह से बोल रहा है कि आप ना ट्रिपल लाइन यूज मत करो, आप करो डबल लाइन यूज करो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। सो अब मैं करूंगा तो यह मेरा अच्छी तरीके से काम करेगा, बट यहाँ देखो प्रिंट हो चुका है। अगर मान लो मैं इससे बड़ा नंबर लिख दूँ, कुछ इतना बड़ा, ये काउंटेबल भी नहीं है, शायद ही काउंटेबल होगा। सो यहाँ पे आ चुका एरर, ये बोल रहा है भाई कि वैल्यू ना ये लिमिट से बाहर है। अब इसके बाद इससे बड़ा कुछ भी नहीं होता, तो आपकी जो वैल्यू होती है ना इसके नीचे होती है। अब इसकी जो लिमिटेशन होती है ना, वो आप चेक करते हो कुछ इस तरीके से कि इसकी लिमिटेशन क्या है। सो अगर हम चेक करें इतने बड़े नंबर की, तो यहाँ देखो आप इतना बड़ा नंबर स्टोर करते हो अपने i128 के अंदर। अब जैसे आपका इंटीरियर होता है ना, वैसे आपका सेम होता है क्या, एक फ्लोट।
अगर आप देखोगे यहाँ पर होते हैं फ्लोट। फ्लोट बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जो आपकी डेसिमल पॉइंटिंग होती है, लाइक 1.2, 3.2, कुछ ऐसी वैल्यूज। तो उसके लिए होता है F32 और F64। ठीक है, अगर उसको डिफाइन करने का तरीका होता है, लेट ए लिखा हमने कुछ F32 इक्वल्स टू लाइक लिख दिया 33.4, और प्रिंट करते हैं इसको, तो प्रिंट एलन मैक्रो और कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने ए, प्रिंट करते हैं एंड सी, ये प्रिंट हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। या तो वो प्रिंट हो चुका है, सेम होता है 64 के लिए, तो F64। ओके, हाँ 128 नहीं होता, अगर आप सोचो F128 लगा दूँ तो ये नहीं होता, यहाँ पर 64 तक ही सीमित होता है। और आप कितना भी नंबर लिख सकते हो, कितना भी बड़ा, इसमें कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप कितना बड़ा नंबर लिख दो, कितना बड़ा लिख दो उसमें। ठीक है, बट ये क्या करेगा, वहाँ पर 00 साइन कर देगा। सी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको 00 आ जाएगा, देखो इस तरीके से। तो कहाँ तक वैल्यू आया, यहाँ तक आया, उसके बाद सारा का सारा 00 हो गया, शायद यहाँ तक ये नहीं, यहाँ तक ये। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 00 उसने असाइन कर दिया सब जगह। ओके कूल, तो ये होता है आपका फ्लोट। अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होते हैं बेसिकली, आपके ये मान लो कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्ट्रिंग, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मान लो जैसे कृष्णा लिख दिया, तो इसमें क्या कैरेक्टर्स हैं कि ए कैरेक्टर हुआ, के कैरेक्टर हुआ, आर कैरेक्टर हुआ, आई कैरेक्टर हुआ, एस कैरेक्टर हुआ, तो ये सारे कैरेक्टर्स हुए। ठीक है, इनसे मिलकर बनता है एक पूरा स्ट्रिंग। अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने दो तरीके होते हैं, एक तो होता है @str, जिसको बोलते हैं बोरो स्ट्रिंग, हम इसको बोरो करते हैं, रेफरेंस लेते हैं स्ट्रिंग का। सेकेंड होता है स्ट्रिंग क्लास, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, अब आते हैं, हमें लिखा लेट इक्वल्स टू कॉलन लगाया str लिखा, अब इसके लिख दिया सिंपल कृष्णा। ठीक है, प्रिंट करूंगा मैं ए को, तो प्रिंट एलन इस तरीके से, और लिख दिया हमने ए। ओके कूल, यहाँ पे आते हैं, कार को बिल्ड किया, कार को रन किया, एन सी मुझे ए मिल जाएगा कृष्णा। ओके, अगर मान लो मैंने यूज किया कुछ इस तरीके से, तो मैं इस तरीके यूज नहीं कर सकता इसको किसी भी हाल में, बिकॉज मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को बोरो करता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको नहीं कर सकता। ओके कूल, यहाँ पर आते हैं, एक और तरीका बताया मैंने आपको, स्ट्रिंग क्लास कुछ इस तरीके से, तो हमने लिखा इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखना पड़ता है आपको, अगर सेव करते हैं अभी एंड प्रिंट करते हैं, क्या ये काम करता है, नहीं काम करेगा, बिकॉज स्ट्रिंग जो है आपका ये काम नहीं करेगा। अगर आपको करना है तो ये बोल रहा है कि आप टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हो, इसको प्रिंट करते हैं, सो सिंपली लिखा हमने ये एंड सी, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। एक तरीका और होता है, वो क्या होता है, वो होता है सिंपल, इसको कंट्रोल एक्स करो, स्ट्रिंग क्लास है, इसके अंदर मेथड मिलता है, विच इज फ्रॉम, इसके अंदर मिलेगा हमें कुछ इस तरह पास करना है, विच इज कृष्ण, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया। अब हमने क्या बोला, स्ट्रिंग क्लास से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दो, सी कृष्णा आ चुका है। अब हमने क्या किया कि स्ट्रिंग क्लास से कहा कि भाई एक काम करो, तुम मुझे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हो, तो इसने क्या किया, स्ट्रिंग कॉलन कॉलन फ्रॉम और कृष्णा लिख दिया। ठीक है, अब इस कॉलन कॉलन का मतलब होता है स्कोप रिजोल्यूशन, ये आपने पढ़ा होगा सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ओके होल्ड, अब आते हैं और इसको करते हैं क्लोज। ये था स्ट्रिंग, जो हमें समझ लिया कि आप @str लगा कर सकते हो, एक स्ट्रिंग क्लास का यूज कर सकते हो। ठीक है, इनका यूज बहुत होगा, ये ध्यान रखना। अब एक और आता है, विच इज बूलियन। अब बूलियन का मतलब क्या है, बूलियन ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करती हो, एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स, ये दो ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये काम कहाँ आती है, एग्जाम्पल मान लो कि आपको चूज करना है कि 3 <4, अब इसका रेस्पॉन्स क्या हुआ, आइदर ट्रू होगा आइदर फॉल्स होगा। ठीक है, अगर ये आपको रेस्ट के अंदर परफॉर्म करना है, तो आप क्या करते हो, यूज करते हो लाइक लेट ए इक्वल्स टू लिखा आपने बूल, बूल लिखा आपने, इसमें बोला आपने ट्रू, ये ट्रू हो गया। अगर चेक करना है कि प्रिंट करके काम करता है कि नहीं करता, तो प्रिंट एलन और इस तरीके लिखा आपने, और लिखा ए इज इस तरीके से, और प्रिंट कर दिया ए को। ठीक है, ये किया आपने कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है स्टेटमेंट, तो ये काम करता ही नहीं करता, उसके लिए यूज करते हो आप इफ स्टेटमेंट का। सो अभी इस यूज करना इफ, ये लिखा आपने 3 <4 इस तरीके से, और लिखा आपने प्रिंट एलन, अगर ये ट्रू होता है उस केस में क्या करो, इसको बोल दो दिस इज गुड। ठीक है, एल्स में प्रिंट एलन दिस इज नॉट, ठीक है, हमने प्रिंट एंड सिंपल लिखते हैं, क्या एक काम करता है भी नहीं करता, स्टेटमेंट लिख तो दिया हमने, सो लेट्स सी, तो एक काम कर रहा है जिसमें आता दिस इज गुड, अगर ये ट्रू होता है उस केस में आएगा दिस इज गुड, अगर ये फॉल्स होता है लाइक मैंने लिख दिया और इस तरीके से 3 <4 नहीं, तो ये नहीं बोलेगा दिस इज नॉट गुड। ओके, तो ये हमारा काम करता है कुछ इस तरीके से, बूलियन वैल्यू। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और समझते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से।
जैसे ये तो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमने सिंपल पढ़ा, हमने कि इंटीजर पढ़ लिया, फ्लोट पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया और फ्लोट पढ़ लिया, ठीक है। बट इनसे मिलकर बनते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, एरे होते हैं, टपल्स होते हैं, स्ट्रक्ट होते हैं, जो हमारे बेसिक यूज केस में आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं एरे के बारे में। जैसे आप पढ़ते हो सी के अंदर, उसमें क्या होता है कि उसकी डेफिनेशन होती है एरे की, कि आप एरे के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करते हो। एग्जाम्पल स्ट्रिंग, कि अगर आपने मान लो एक एरे क्रिएट किया, लाइक मैंने कहा इंट ए आर आर कुछ इस तरीके से, और इसमें लिखते हैं 1 2 3 4, तो ये नंबर हो गए। इसके अंदर में कोई भी स्ट्रिंग नहीं लगता, लाइक इस तरीके से लिख दिया मैंने कृष्णा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर होता है कि आपने डिफाइन किया कोई एरे, लाइक लिखा आपने लेट ए आर आर इक्वल्स टू दैट थिंग, आपने लिख दिया कृष्णा, लिख दिया हरीश, फिर डिफाइन कर दिया कोई नंबर कुछ इस तरीके से, फिर डिफाइन कर दिया कोई बोलियन वैल्यू लाइक ट्रू, फिर डिफाइन कर दिया आपने कोई फ्लोट इस तरीके से। तो आप ना ये काम एरे के अंदर नहीं कर सकते। अगर आपको करना है, अगर आप प्रिंट करते हो इसको ए आर आर इस तरीके से लिखा आपने, इसको अगर प्रिंट करोगे कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, तो मुझे मिलता है एक एरर। क्या मिलता है भाई, सुनो, अगर आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया तो आपको आगे के नंबर्स भी जो है, आगे की जो इंडेक्सिंग है जो आपकी, वो भी आपकी स्ट्रिंग ही होगी, कोई भी अदर डेटा नहीं होगा। तो उसके लिए अगर तो यूज करो टपल्स का। बट जब एरे की बात आती है ना, तो एरे में अगर हम डिफाइन करते हैं टाइप को कुछ इस तरीके से, ये लिखा हमने, इसमें बोलते हैं स्ट्रिंग, कि हमारा स्ट्रिंग होगा, उसकी जगह करो एडर एस टी लगाओ, ठीक है, बिकॉज हमें बार बार टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, उस केस में करो एडर एस टी लगाओ। इसके बाद क्या लिखा कि आपको कितने नंबर चाहिए, मतलब एरे का टाइप डिफाइन करना, एरे की लेंथ डिफाइन करनी है कि कितनी लेंथ है एरे की, तो मैंने बोल दिया 4 इस तरीके से, टाइप दे दिया ये। इसके बाद लेंथ, कि आपकी एरे की लेंथ कितनी है, मैंने बोला एस टी आर मेरा एरे होगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप स्टोर करेगा और चार लेंथ यानी चार आइटम्स आएंगे, 1 2 3 4। तो पहले तो मैं इसको चार आइटम करता हूँ, तो उसके लिए करूँगा पहले लिखा मैंने कुछ और नेम लाइक सीता, ये रैंडम नेम है तो इनको इग्नोर करना बिल्कुल, लिख दिया रमन, ओके कूल। अगर इसको प्रिंट करता हूँ सी, तो मेरे चार नेम थे, ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, प्रिंट क्यों नहीं हुआ, प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यूज करें डिफॉल्ट फॉर्मेटर का, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे डीवर्क फॉर्मेटर का कुछ इस तरीके से, एंड सी ये हमारा अच्छी तरीके से काम करेगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा। देखो ये आ चुका है कृष्णा, हरीशन, सीता एंड रमन, तो ये हमारा काम कर रहा है। अगर मान लो एक्सपेक्ट मैंने 5 वैल्यूज कर दी, मैं लिख दिया यू आई यू एक्स कुछ इस तरीके से, कुछ नाम नहीं मिला मेरे को, ये किया मैंने एन सी, मुझे मिल चुका है एरर। क्या बोल रहा है भाई, सुनो, जो आपका एरर है ना वो चार लेंथ का है, आपने 5 कर दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसको हटा दो वहां से, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपको 5 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करने थे, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है, बट डेटा टाइप देना अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स करना है यानी इंडेक्सिंग एक्सेस करनी है, तो 0 1 2 एंड 3 प्रिंट करो इसको, तो प्रिंट हो जाएगा आपका। अभी प्रिंट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ हमने 5 लिख दिया इस तरह, इसको रिमूव करते हैं, सो माई मिस्टेक। अगर इसको प्रिंट करूंगा एन सी ए प्रिंट हो जाएगा, कृष्ण आ चुका है, हरीशन आ चुका है, सीता आ चुका है, रमन आ चुका है। हाँ, अगर मैंने 4 कर दिया तो उसको बोलते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये हमारा जावा के अंदर भी आता है, तो आपने देखा हुआ है, तो सी ये आ चुका है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर, कि भाई ये नहीं हो सकता, इसको हम नहीं करते, ठीक है। सो आते हैं इसको रिमूव करते हैं। अब बात करें टपल्स के बारे में, ठीक है। सो आते हैं टपल्स, टी यू पी एल ई एस, ठीक है। अब टपल्स जैसे पाइथन में पढ़ते हो ना, वही सेम काम होता है, ठीक है, वही सेम होती है टपल्स, बट काम डिफरेंट होता है, ठीक है। अब काम कैसे डिफरेंट होता है समझते हैं, ठीक है। हमें लेट लाइक यूजर डेटा, ठीक है, जिस तरीके से लिखना है हमें, इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाकर, यहाँ पर लिखा हमने कृष्णा, यहाँ पर लिख दिया हमने रमन, यहाँ पर लिख दिया हरीश, इसको प्रिंट करूंगा प्रिंट एलन, और यूजर डेटा इक्वल्स टू यूजर डेटा, ये कि हमने यहाँ पर लगा डीवोक फॉर्मेटर, और इसको लिखते हैं सी, तो मुझे ये टपल जो है प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर तुम किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो, ये लिख दिया आपने, और लिख दिया हमने कुछ लाइक क्या लिखें बताओ, इसका लिख दिया मैंने ट्रू, लिख दिया मैंने कुछ 12.5 इस तरीके से, एन सी, तो ये हमारा काम करता है, देखो ये कर रहा है सी, मेरा प्रिंट हो चुका है कृष्णा रमन हरीश 34 12, मतलब इस तरीके से क्या कि आप कितने भी तरह डेटा टाइप्स को इसमें स्टोर कर सकते हो, ओके कूल, ठीक है। अगर मान लो आपको इसका साइज फिक्स करना है, कि इसके अंदर मान लो दो ही आइटम आ सके, या इसके अंदर ओनली दो ही आइटम आ सके, और वो भी किस टाइप के आएंगे वो मैं डिफाइन करूँ, तो उसके लिए यूज करते हो यहाँ पर कॉलन लगाओ, यहाँ पर लिखो टपल, इसके बाद डिफाइन करो पहले तो, कि लिखा मैंने एट द रेट एस टी आर,
ये फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू थर्ड str। अब इसके अंदर, इस टपल के अंदर ओनली दो ही वैल्यू आएंगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, अगर इसको प्रिंट करता हूँ, सी मुझे मिलता है एरे कि आप ना ओनली दो ही एलिमेंट आ सकते हो अपने टपल के अंदर, बट आप 7 डाल रखे तो इनको रिमूव कर दो। तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पर आओ कंट्रोल एक्स, इसको रिमूव किया आपने फुली, कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन यानी रिमूव हो चुके हैं। तो यह चुका आपको कृष्णा एंड रमन। अगर मान लो आपको इंडेक्सिंग करनी है, जैसे 0 1 2 3, अगर आप करते हो यहाँ पर, आप लिख दिया कुछ इस तरीके से 0 1, तो ये काम नहीं करता टपल के अंदर, ठीक है, तो ये नहीं मिलता। अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट यूज 0 1 और जो भी होगा 2 3 4, वो कुछ इस तरीके से करते हो। अगर मान लो 2 एग्जिस्ट नहीं है तब क्या होगा इसमें, सो हमने लिख दिया 2 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है इसके अंदर। हमने बोला कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, तो ये बोल रहा है भाई ये एरर है बिकॉज ऑफ ये एग्जिस्ट ही नहीं है इसके अंदर, कोई फील्ड ही नहीं है इसके अंदर, तो आप इसको इग्नोर करो। अब बात करते हैं स्ट्रक्ट के बारे में, जो आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। अब इसको तुम ऐसा समझो, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट लाइक जैसे आप बनाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप डिफाइन करते हो प्रॉपर्टीज को, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए। सबसे पहले दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये, लेट ए इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, अगर आप इसमें लिखते हो, लिखा आपने नेम विच इज कृष्णा, लिखा आपने एज विच इज ये वाला, अब प्रिंट करते हो ए को, तो प्रिंट एलन, पहले सेमीकोलन लगाते हैं बिकॉज यहाँ पे एरर देगा, प्रिंट एलन कुछ इस तरीके से लिखा आपने और लिख दिया ए, इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे मिलता है एरर। ये बोलता है कि भाई अगर आप ऐसा यूज़ करने वाले हो, अगर आप कोई चीज़ बनाने वाले हो, तो आप यूज़ करो एक स्ट्रक्चर का, एक स्ट्रक्ट क्रिएट करो, देन उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो। स्ट्रक्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करो कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, देन मुझे जब काम करना है इस चीज़ का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट का। तो हमने लिखा strct, डिफाइन किया एक नाम, तो ये नाम से नेम बड़ा होगा पहला लेटर, इसके बाद प्रॉपर्टीज, नेम होगी एक स्ट्रिंग टाइप का, एक एज होगा, एक होगा वो नंबर टाइप यानी i32, ये लिखा हमने, कॉपी किया, सेम यहाँ पर उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये बन गया टेम्पलेट एक तरीके का, यहाँ पर इसको यूज किया, और यहाँ पर टू स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, नहीं तो एरर आ जाएगा, तो टू स्ट्रिंग, और इसको लगाते हैं डीबग। और हाँ, इसको तुम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, तो लिखोगे ए डॉट नेम, ए डॉट एज, ठीक है। अब आते इसको, और हमने देखा सो सी यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगा विच इज कृष्णा और 224। इसका यूज़ क्या रहा, जब हमने यूएल लिखा, ठीक है, इसको बनाया हमने, तो इसको डिफाइन किया, इसका यूज़ क्या रहा, ठीक है, बताता हूँ आपको यूज़। कॉपी करो उसको, लेट बी इक्वल्स टू यूज़र, ठीक है, सेम इसमें कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट किया आपने, लिख दिया आपने हरीश, इसकी एज हो गई आपकी ये। और एक काम करते, क्रिएट करते हैं टपल, टपल समझ लिया आपने, टपल क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो वही सेम, लेट टपल या फिर एक कर दो एरे कर लो। चलो एरे की हमने, किस टाइप का एरे हो गया है, ये एरे हो गया आपका यूजर टाइप का। कितनी वैल्यूज होंगी इसके अंदर, दो वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, एक ए और एक बी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, और लिखा हमने क्या, प्रिंट एलन कुछ इस तरीके से। अब आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते, अगर आपने लिख दिया इस तरीके से तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, अगर आपने देखा इस तरीके से इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और ये मैक्रो, तो मैक्रो लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इस तरह प्रिंट नहीं हुआ। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे इंडेक्सिंग का, जीरो का डॉट नेम, हाँ आप यूज़ करोगे इसका लूप्स का, बट अभी लूप्स पढ़े नहीं हमने, तो अभी इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर आते हैं, लिखा हमने वन के लिए और नेम, सो सी ये वही रिजल्ट मिलेगा हमें जो हमें मिलना चाहिए था। ओके, गलत हो गया कमांड, सो लिखा कार्गो बिल्ड एंड कार्गो रन, सो देखो ये प्रिंट हो चुका है, विच इज कृष्णा 224 एंड हरीश 224। ओके कूल, तो इस तरीके से यूज़ करते हो आप स्ट्रिक्ट का बहुत इजी वे में। अगर मान लो आपको कोई ऑप्शन फील्ड रखनी है, ऑप्शन मतलब मैं दे भी सकता हूँ और नहीं भी, तो उस केस में क्या करोगे, आपने लिखा लाइक मार्क्स, वो क्या ऑप्शन है, ठीक है, और किस टाइप का होगा, अगर डालता है तो वो होगा i32, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया, कहाँ पर, स्ट्रक्ट के अंदर, कहाँ भाई स्ट्रक्ट, ये रहा, और आपने मान लो अब इसको प्रिंट करते हो, तो आपको मिलता है एक एरर, क्या बोलता है कि भाई एक मार्क्स नाम की प्रॉपर्टी मिसिंग है। अब बोलोगे भाई मैंने तो ऑप्शन किया था, ऑप्शन तो किया है बट आपको बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या है, तो मैंने बोल दिया नन, ठीक है, इस तरीके से कॉपी करो। अब मान लो इसके अंदर मुझे मार्क्स डिफाइन करने हैं, तो आप यूज करो किसका, सम का, इसमें लिख दिया मैंने लाइक 23 इस तरीके से, 34 लिखा सॉरी, और यहाँ पर लिख दिया हमने कुछ इस तरीके से विच इज मार्क्स, सेम कॉपी किया, MARKS,
प्रिंट किया एन सी, तो हमें डेटा प्रिंट होकर मिल जाएगा विच इज नन हरीश 224 एंड सम। ओके कूल, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्ट का यूज करते हैं अपने रेस्ट के अंदर। स्ट्रक्ट अपने आप एक टॉपिक है तो उसको क्लियर समझेंगे, बट अभी क्या करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर ना और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आई एम पी एल एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर फंक्शंस मैथड डिफाइन करते हैं जो अभी हम कर नहीं रहे। ठीक है, अब आते हैं एनएम्स के थ्रू। एनएम क्या होते हैं? बेसिकली एनएम की कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल लो, जैसे आप कोई ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रहे हो, ऑथेंटिकेशन में होता है कि आपके पास रोल्स होते हैं यूजर के, जैसे कि एडमिन हो गया, यूजर हो गया, ऑपरेटर हो गया, सब ऑपरेटर हो गया, तो ये क्या रोल हो गए, तो आपके अंदर कॉन्स्टेंट होते हैं, ये टर्म जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, तो इन्हीं के लिए यूज़ करते हो आप एनएम्स का। लिखा मैंने एनएम, एक बनाते हैं डायरेक्शन नाम से। जैसे डायरेक्शन कितनी होती है? बहुत सारी होती है, बट अभी समझते हैं चार डायरेक्शन को, विच इज अप, एक होती है डाउन, एक लिख दिया मैंने राइट, एक लिख दिया लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो किसी भी बंदे ने चूज किया अप को, तो कैसे ये चूज करेगा? तो लिखा हम लेट ए कॉलन किस टाइप का, डायरेक्शन टाइप का। ठीक है, हाँ ध्यान रखना ये टाइप भी होते हैं, ये आपके यूर डिफाइंड डेटा टाइप है, यानी कि मैंने डिफाइन किया खुद अपने पास से, डायरेक्शन स्ट्रक आपका, ये आपका क्या यूर डिफाइन हुआ। ठीक है, सो कॉपी किया आपने, यहाँ पर लिखा डायरेक्शन कॉलन कॉलन, कौन सा लिया आपने? अप, उसने अप को चूज किया। ठीक है, अगर आप प्रिंट करते हो आपको तो ये मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, ये मिलेगा आपको एक एरर, सो दिखाता हूँ एरर क्या मिलता है। लिखा आपने एरर तो मिल गया एरर कि भाई इसको प्रिंट नहीं कर सकते। हाँ, इसको यूज़ कैसे करें भाई? ठीक है, इसको यूज़ कैसे करें? बराबर हमने लिख तो दिया, इसको यूज़ कैसे करें भाई? उसके लिए यूज़ करते हैं मैच केस का। ठीक है, मैच केस जस्ट लाइक अ स्विच केस। ठीक है, आप ये आते हैं मैच ए को मैच करो, किससे मैच करना है? डायरेक्शन के अप से, अगर वो होता है तो क्या करो, प्रिंट एंड कर दो। इस तरीके से बोला हमने क्या कि दिस इज अप डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से, और सेम फॉर राइट, सेम फॉर लेफ्ट, सेम फॉर डाउन। हमें राइट फॉर लेफ्ट फॉर डाउन, और एक होता है अंडरस्कोर, मतलब कि डिफॉल्ट। अगर मान लो उसने कुछ हिलट डाल दिया तो उस केस में क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे दिस इज इनवैलिड डायरेक्शन। इसको प्रिंट करते हैं तो मिलता है एरर मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट, कॉलन यूज करना था और इसको भी रिमूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सी, तो ये एरर मिल रहा है बिकॉज वार्निंग मिल रही है बिकॉज हमने इनका यूज नहीं किया, इस वजह से कोई नहीं, बट यहाँ देखो दिस इज अप डायरेक्शन। अगर मान लो इसको चूज कर लिया लेफ्ट को तो ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसने चूज कर लिया राइट को तो ये राइट डायरेक्शन हो गया। इस तरीके से मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी जिनका काम होता है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना कॉन्स्टेंट का। तो इस तरह डिफाइन करते हैं अपने एनएम्स को। एक होता है पॉइंटर, पॉइंटर बेसिकली आपका एक एड्रेस होल्ड करता है किसी वेरिएबल का। देखा हमने पॉइंटर लेट ए इक्वल्स टू 34, इस तरीके से। अब जो ए है ना, ये कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोर हुआ हुआ। ठीक है, मुझे उस मेमोरी का एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं किसका, प्रिंट लाइन। लिखा हमने, अगर इसको प्रिंट करूँगा अभी तो कुछ इस तरीके से। ओके, इसको प्रिंट करते हैं, लिखा कार्गो बिल्ट एंड कार्गो रन एन सी, मुझे बी का मिल जाएगा, तो ये मिल गया हमारा बी 34। अभी 34 कहाँ से आ रहा है, ए का टाइप। ठीक है, हमने क्या रेफरेंस लिया उससे कि भाई एक काम करो रेफरेंस दे दो हमारा, इसने हमने प्रिंट कर दिया, मुझे इसका एड्रेस प्रिंट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम लेगा कॉलन एंड पी, इस तरीके से, एंड मैं इसको प्रिंट करूंगा कार्गो बिल्ट एंड कार्गो रन, तो मुझे मिलेगा एक मेमोरी एड्रेस मिलेगा, जो ये मिल चुका है मेमोरी एड्रेस एक हेक्स कोड के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं किसका, पॉइंटर्स का। अब पॉइंटर अपने आप एक टॉपिक होता है जिसको पूरा पढ़ेंगे हम अच्छी तरीके से, एक एक लाइन से, जो हमारा आगे काम आएगा। सो आई गाइस, आपको मालूम पड़ा कैसे हम रेस्ट के अंदर डेटा को यूज़ करते हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अभी इस वीडियो को देखते हैं गाइस, एंड गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो उसमें शेयर कर दो, एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।